पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर इस घटना में मेरा नाम लपेटा गया है। मुझे प्रशासन पर भरोसा है कि जांच में सही चीज़ें निकल जाएंगी और इसमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है। मैं पेशे से अध्यापक भी हूँ, एक इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ। मैं खुद लड़कियों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता हूँ और जो भी इस तरह की बात आती है उसमें मैं लड़की पक्ष में ही खड़ा होकर चाहता हूँ कि ये मामले का समाधान हो। मैं पूरा यकीन रखता हूँ ईश्वर पर और शासन प्रशासन पर। मैं माननीय अखिलेश यादव का सिपाही हूँ। हम लोग कभी गलत काम पर भरोसा नहीं करते, न गलत काम करते, हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। ये सारे प्रोग्राम 2022 में, चूंकि मैं इस विधानसभा से प्रबल दावेदार हूँ। इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। एडमिशन जारी। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। यहाँ आने का अपना एक सबब है, एक मकसद है, उसको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन उसके पहले ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव होंगे। उसके बाद से तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सक्रिय हो जाएंगी। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि भले ही चुनाव 2022 में है, लेकिन खींचतान, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे को नीचा दिखाना, पीछे खींचना, ये जो क्रम है, ये जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैं आया हूँ एक खास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। पिछले कुछ दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, समाचार पत्रों में बहुत कुछ कहा गया एक मुद्दे को लेकर के। पिछले 4-5 महीने पहले पीछे जाएंगे तो एक घटना हुई कुशीनगर जिले में, जिसमें एक क्षेत्र में एक लड़की किसी लड़के के साथ घर से फरार हो जाती है, भाग जाती है। प्रेम प्रपंच का मामला है शायद, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे ताकि आप को वो चीज़ें बेहतर तरीके से पता चल सके कि आखिर मामला क्या था। लेकिन उस चीज़ को किस तरह से राजनीति से वशीभूत होकर के, राजनीति से प्रेरित होकर के, जातीय समीकरण में डाल करके, सामुदायिक समीकरण में डाल करके चीज़ों को नए तरीके से, हिंदू मुस्लिम का जो हमेशा का एजेंडा हो गया है कि कुछ भी हो तो हिंदू मुस्लिम एजेंडा सेट कर दीजिए, चीज़ें आपके हिसाब से चलने लगेंगी, इस तरह की कुछ लोगों की सोच हो गई है। तो उस वीडियो में मैं बता रहा था, जिस वीडियो का जिक्र मैं कर रहा था, उसमें पीड़िता की जो पीड़िता थी वो अपना बयान दे रही थी और उस बयान में उसने सपा के कद्दावर नेता, कुशीनगर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी का उस महिला ने नाम लिया। उसके बाद से तमाम सोशल साइटों पे, तमाम जगहों पर खबरें ट्वीट होने लगी, वीडियो ट्वीट होने लगे, लोग मैसेज डालने लगे, तमाम तरह के जिहादी और फसादी, इस तरह की चीज़ें होने लगी जो सामाजिक दृष्टिकोण से कहीं से भी बिल्कुल भी सही नहीं था। दूसरे पक्ष की बात को भी सुना जाना चाहिए था। तो हमने बेहतर समझा कि क्यों ना हम कोशिश करें इलियास अंसारी साहब तक पहुँचने की और उनसे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या मामला था, उस मामले में उनका नाम क्यों आया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, जो मामला चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, खींचतान मची हुई कुशीनगर जिले में, मुख्यमंत्री तक बहुत सारी चीज़ें ट्वीट की गई, बताने की कोशिश की गई, वो मामला क्या है, मोटा मोटा थोड़ा उसको बताएं। देखिए, मुझे 2 महीना पहले ये जानकारी मिली कि विजयपुर उत्तर पट्टी थाना तुरपट्टी के अंतर्गत किसी लड़की और किसी लड़के के भागने की कोई घटना हुई है। मेरे बगल का गांव है, रोज़ तमाम तरह के लोग मेरे पास सिफारिश के लिए आते हैं। सुबह जनता दर्शन में भीड़ लगती है, मैं उसी में, मुझे मालूम हुआ, फिर वह बात ख़त्म हो गई। एकाएक परसों मुझे एक वीडियो के जरिए लोगों ने फ़ोन किया कि एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक औरत आपका नाम रख रही है कि थाना अध्यक्ष तुरपट्टी उस लड़की को ले जाके जिला अध्यक्ष जी के घर पहुंचा दिए। मुझे जब जानकारी हुई तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हास्यास्पद लगा कि मेरे जैसे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जो व्यक्ति हो, जिसके लिए सब धर्म संभाव की भावना हो जिसके दिल में, इस जनपद में जब भी कोई इस तरह की बातें आती हैं
तो वहाँ सबसे पहले सबके बीच बैठकर बात समझाने और सबको एक करने का काम मैं करता हूँ। मेरे जैसे लोगों का नाम इसमें राजनीति से प्रेरित होकर और गवई राजनीति से जो जिससे कोई लेना देना मेरा नहीं, उस घटने में मुझे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से नाम रखवाया गया। लेकिन मैं दावे के साथ ही कह सकता हूँ कि प्रशासन पर मुझे भरोसा है और ईश्वर पर मुझे भरोसा है। मैं कभी जीवन में अपने 38 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे ऊपर कोई उंगली रखने की जगह मिले। मैं पेशे से अध्यापक भी हूँ, एक इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ, मैं खुद लड़कियों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता हूँ और जो भी इस तरह की बात आती है उसमें मैं लड़की पक्ष में ही खड़ा होकर चाहता हूँ कि ये मामले का समाधान हो। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर इस घटना में मेरा नाम लपेटा गया है। मुझे प्रशासन पर भरोसा है कि जांच में सही चीज़ें निकल जाएंगी और इसमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है। हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया है कि सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने जिहादी को संरक्षण दिया, लड़की यहाँ तक आई और तमाम तरह की बातें हुई। और उसमें एक बात और कही गई कि थाना अध्यक्ष खुद आपके घर तक उसको लड़की को पहुंचाने आए थे। तो एक थाना अध्यक्ष जब किसी गुमशुदा लड़की को बरामद करेगा तो वो अपने पुलिस के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसके परिवार वालों को सौंपेगा या अपने बड़े अधिकारियों को सूचित करेगा, उस घटना से अवगत कराएगा। तो आपके यहाँ लेके आने का जो ये मामला हो रहा है, जो सुगबुगाहट है, जो बातचीत हो रही है, उस पर क्या कहना? देखिए, चूँकि मेरे खिलाफ कोई आरोप और लग नहीं सकते, मैं कभी कोई गलत काम में मलहूस नहीं रहता हूँ, तो अब इसके अलावा बाकी क्या कहा जा सकता है। अब थानाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, थानाध्यक्ष हमारे यहाँ लड़की को लेके क्यों आएगा? वो तो गुडवर्क में लड़की को अपना बरामदी दिखाएगा, उससे उसका गुडवर्क होगा। मेरे यहाँ लड़की को लेके आना थानाध्यक्ष का, ये 100% गलत है और ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये बिल्कुल, मैं पूरा यकीन रखता हूँ ईश्वर पर और शासन प्रशासन पर। मैं माननीय अखिलेश यादव का सिपाही हूँ। हम लोग कभी गलत काम पर भरोसा नहीं करते, न गलत काम करते, हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। ये सारे प्रोग्राम 2022 में, चूँकि मैं इस विधानसभा से प्रबल दावेदार हूँ विधायक के उम्मीदवार के लिए, इसलिए ये षड्यंत्र मेरे खिलाफ की जा रही है ताकि जनता में मेरी छवि धूमिल हो। ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे आपकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको, उसकी छवि को धूमिल किया? इसको आप भी बखूबी जान सकते हैं कि मेरे खिलाफ वो कौन लोग हो सकते हैं। हमारे खिलाफ वो लोग हैं जो लोग पगडंडी के रास्ते से सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और जो स्वयं अपराधी हैं, स्वयं 302, 436 और तमाम मुकदमों में वांछित हैं, और वह लोग एक सुनियोजित साजिश करके इस घटने में मुझे लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, किए हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं पूरी तरह से इसमें साफ सुथरा साबित होऊंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी गलत काम करने की कोशिश नहीं की है और न कभी गलत किया हूँ। और मैं हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल हूँ, इस क्षेत्र में कभी कोई बात नहीं हुई है, न होने दूंगा। मैं हिंदू और मुसलमान सबका लीडर हूँ, सबके बीच काम करता हूँ, और अगर मुसलमान पक्ष गलती किया है तो उसको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए, उस लड़के को सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए, इसके मैं पक्षधर हूँ। ये घटना जब घटी उसके बाद क्या पीड़ित परिजनों ने कभी आपसे मुलाकात किया या कुछ इस तरह की बात हुई कभी? लड़की पक्ष लोग नहीं आए थे, लड़के पक्ष लोग आए ये कहने कि दरोगा जी 2 महीने से बैठाए हैं और छोड़ नहीं रहे हैं, लड़का गलती किया है तो लड़का सजा पावे, तो उसमें बाप का क्या गलती है। मैंने इसमें साफ तौर पे कह दिया कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। लड़की को खोजना लड़के वालों का घर का काम है, लड़की वाले भी खोजें, लड़के वाले भी खोजें, लड़की मिल जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा।
थाना अध्यक्ष शायद इसी मामले में कल उनको लाइन हाजिर कर दिया गया, पुलिस लाइन से अटैच कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि आगे की जो जांच है इस मामले में, उस जांच को लेकर के क्या कहना है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हमने भी कुछ लोगों से आपके चौराहे पर बातचीत किया इस चीज़ को लेकर के, तो कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि नहीं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, उनके अपने विचार हैं जो हो सकता है आपके चाहने वाले हों, तो आपके क्षेत्र के लोग कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में, क्योंकि जब आपका नाम घसीटा जा रहा है, आपके हिसाब से आपका नाम जब इसमें लिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है न्याय को लेकर के क्या उम्मीद है? मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय के पलड़े पर मैं भारी पड़ूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाले, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमको कुशीनगर के प्रशासन पर जो मतलब अधिकारी हैं, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं हमेशा प्रशासन की भी मदद किया हूं जब भी आवश्यकता पड़ी है, और शासन सत्ता में आता और जाता है। शासन में मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरे अच्छे संबंध हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडरों से मेरे अच्छे संबंध हैं, कांग्रेस के लीडरों से मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं समाजवादी पार्टी का और पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, अभी 4 महीना पहले जिलाध्यक्ष के पद से हटा हूँ। मैं अखिलेश यादव जी के चेहरे में अपना भविष्य देखता हूँ, और मैं कभी ऐसा काम ऐसा नहीं कर सकता जो मेरे ऊपर कभी जीवन में कोई उंगली रख सके। आप देखेंगे, ये पूरी न्याय की उम्मीद है जिला प्रशासन से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें मैं प्रशासन सही साफ सुथरा कार्य करेगा, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। तो सुना आपने, हमने बात किया सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कुशीनगर इलियास अंसारी साहब से, उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे चरित्र को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो ये सारे प्रकरण हो रहे हैं, मेरा नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। उन्होंने इस मामले में कहा कि मुझे प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि प्रशासन, जिला प्रशासन जो है, यहाँ का न्याय करेगा, और इस जो घटना घटी है, जो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, उन सब पे पटाक्षेप होगा, उन सबका पटाक्षेप होगा, और मुझे न्याय मिलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।